हमारी शादी हुई हो या ना हुई हो, लेकिन आज भी मैं तुम्हें अपने दिल में बीवी मानता हूं। क्या बोला तूने? राम कौन नहीं है कहीं तू लोगों के साथ बदतमीजी करता फिर आके? तो इस लगता है कि तू बदतमीजी करेगा? शराब करके देखता रहूंगा क्या? तो भरेगा? समझा? इसको वापस गेस्ट हाउस फेंक गया। अगर आइंदा यहाँ वापस आया ना तो अच्छा नहीं होगा। अब तो तैमूर है ना मेरी हिफाजत के लिए, फिर आपको किसने हक दिया कि आप इतना बड़ा तमाशा खड़ा करें? है कौन आप मेरे? तैमूर आपका और मेरा कोई रिश्ता हो या ना हो, लेकिन मैं आपका मुहाफिज था, हमेशा रहूंगा। प्रोजेक्ट के बाद हम वापस कराची जा रहे हैं, मैं और मानू। जीने की दुआएं मैंने मांगी ही न थी, ऐसा नहीं था आंखें भीगी न थी, हाथों की लकीरें जैसे खींची ही न थी, पूरी वफाएं कैसे होती। मैं और मानू तुम ही ऐसा टूटा नसीबा मेरा रूठा, मिला था कोई झूठा कोई झूठा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर्स मानूर शेहराम से कहेगी कि शेहराम मैं अपनी मर्जी से अब तैमूर से शादी करूंगी और इसमें किसी की कोई ज़बरदस्ती शामिल नहीं, ये मैं अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ क्योंकि मुझे तैमूर ही पसंद है, मैं अगर शादी करना चाहूँगी तो सिर्फ तैमूर से ही करूँगी। अब व्यूअर्स मानूर को शहराम का ज़रा सा भी परवाह नहीं है और व्यूअर्स शहराम ये सुनने के बाद कि मानूर मुझसे नफरत करता है तो अब वो बहुत ज़्यादा दुख में चला जाएगा, बहुत परेशान हो जाएगा और रूम में चला जाएगा और ये सोचेगा कि आखिरकार ये मेरे साथ क्या हो रहा है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो मानूर से बात करने की कोशिश करेगा लेकिन वो नाकाम रहेगा और हर वक्त व्यूअर्स शहराम को तकलीफ ही पहुँचेगी क्योंकि मानूर ने साफ उसको बताया कि मैं तैमूर से ही शादी करूँगी। और इस तरह नेक्स्ट एपिसोड में व्यूअर्स आप देखेंगे कि शहराम एक फैसला करेगा कि मैं तो मानू के पीछे बहुत भागा लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला, तो मैं अब ये करूँगा कि उसको इग्नोर करूँगा और इसके यादों से हटकर अपने न्यू लाइफ में मूव करूँगा। तो व्यूअर्स क्या आपको लगता है कि शहराम इतना आसानी से मानूर को बोल पाएगी? अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल हलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर्स मानूर शहराम से कहेगी कि शहराम मैं अपनी मर्ज़ी से अब तैमूर से शादी करूंगी और इसमें किसी की कोई ज़बरदस्ती शामिल नहीं, ये मैं अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ क्योंकि मुझे तैमूर ही पसंद है, मैं अगर शादी करना चाहूँगी तो सिर्फ तैमूर से ही करूँगी। अब व्यूअर्स मानूर को शहराम का ज़रा सा भी परवाह नहीं है और व्यूअर्स शहराम ये सुनने के बाद कि मानूर मुझसे नफरत करता है तो अब वो बहुत ज़्यादा दुख में चला जाएगा, बहुत परेशान हो जाएगा और रूम में चला जाएगा और ये सोचेगा कि आखिरकार ये मेरे साथ क्या हो रहा है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो मानूर से बात करने की कोशिश करेगा लेकिन वो नाकाम रहेगा और हर वक्त व्यूअर्स शहराम को तकलीफ ही पहुँचेगी क्योंकि मानूर ने साफ उसको बताया कि मैं तैमूर से ही शादी करूँगी। और इस तरह नेक्स्ट एपिसोड में व्यूअर्स आप देखेंगे कि शहराम एक फैसला करेगा कि मैं तो मानू के पीछे बहुत भागा लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला, तो मैं अब ये करूँगा कि उसको इग्नोर करूँगा और इसके यादों से हटकर अपने न्यू लाइफ में मूव करूँगा। तो व्यूअर्स क्या आपको लगता है कि शहराम इतना आसानी से मानूर को बोल पाएगी? अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल हलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर्स मानूर शहराम से कहेगी कि शहराम मैं अपनी मर्ज़ी से अब तैमूर से शादी करूंगी और इसमें किसी की कोई ज़बरदस्ती शामिल नहीं, ये मैं अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ क्योंकि मुझे तैमूर ही पसंद है, मैं अगर शादी करना चाहूँगी तो सिर्फ तैमूर से ही करूँगी। अब व्यूअर्स मानूर को शहराम का ज़रा सा भी परवाह नहीं है और व्यूअर्स शहराम ये सुनने के बाद कि मानूर मुझसे नफरत करता है तो अब वो बहुत ज़्यादा दुख में चला जाएगा, बहुत परेशान हो जाएगा और रूम में चला जाएगा और ये सोचेगा कि आखिरकार ये मेरे साथ क्या हो रहा है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो मानूर से बात करने की कोशिश करेगा लेकिन वो नाकाम रहेगा और हर वक्त व्यूअर्स शहराम को तकलीफ ही पहुँचेगी क्योंकि मानूर ने साफ उसको बताया कि मैं तैमूर से ही शादी करूँगी। और इस तरह नेक्स्ट एपिसोड में व्यूअर्स आप देखेंगे कि शहराम
एक फैसला करेगा कि मैं तो मानू के पीछे बहुत भागा लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला, तो मैं अब ये करूँगा कि उसको इग्नोर करूँगा और इसके यादों से हटकर अपने न्यू लैब में मूव करूँगा। तो व्यूवर्स, क्या आपको लगता है कि शहराम इतना आसानी से मानूर को बोल पाएगी? अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अब इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल हलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूवर्स मानूर शहराम से कहेगी कि शहराम, मैं अपनी मर्जी से अब तैमूर से शादी करूँगी और इसमें किसी की कोई ज़बरदस्ती शामिल नहीं, ये मैं अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ क्योंकि मुझे तैमूर ही पसंद है। मैं अगर शादी करना चाहूँगी तो सिर्फ तैमूर से ही करूँगी। अब व्यूवर्स मानूर को शहराम का ज़रा सा भी परवाह नहीं है और व्यूवर्स शहराम ये सुनने के बाद कि मानूर मुझसे नफरत करता है तो अब वो बहुत ज़्यादा दुख में चला जाएगा और बहुत परेशान हो जाएगा और रूम में चला जाएगा और ये सोचेगा कि आखिरकार ये मेरे साथ क्या हो रहा है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि वो मानूर से बात करने की कोशिश करेगा लेकिन वो नाकाम रहेगा और हर वक्त व्यूअर्स शहराम को अब तकलीफ ही पहुँचेगी क्योंकि मानूर ने साफ उसको बताया कि मैं तैमूर से ही शादी करूँगी। और इस तरह नेक्स्ट एपिसोड में व्यूअर्स आप देखेंगे कि शहराम एक फैसला करेगा कि मैं तो मानू के पीछे बहुत भागा लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला, तो मैं अब ये करूँगा कि उसको इग्नोर करूँगा और इसके यादों से हटकर अपने न्यू लैब में मूव करूँगा। तो व्यूवर्स, क्या आपको लगता है कि शहराम इतना आसानी से मानूर को बोल पाएगी? अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल हलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूवर्स मानूर शहराम से कहेगी कि शहराम, मैं अपनी मर्ज़ी से अब तैमूर से शादी करूंगी और इसमें किसी की कोई ज़बरदस्ती शामिल नहीं, ये मैं अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ क्योंकि मुझे तैमूर ही पसंद है। मैं अगर शादी करना चाहूँगी तो सिर्फ तैमूर से ही करूँगी। अब व्यूवर्स मानूर को शहराम का ज़रा सा भी परवाह नहीं है और व्यूवर्स शहराम ये सुनने के बाद कि मानूर मुझसे नफरत करता है तो अब वो बहुत ज़्यादा दुख में चला जाएगा और बहुत परेशान हो जाएगा और रूम में चला जाएगा और ये सोचेगा कि आखिरकार ये मेरे साथ क्या हो रहा है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि वो मानूर से बात करने की कोशिश करेगा लेकिन वो नाकाम रहेगा और हर वक्त व्यूअर्स शहराम को अब तकलीफ ही पहुँचेगी क्योंकि मानूर ने साफ उसको बताया कि मैं तैमूर से ही शादी करूँगी। और इस तरह नेक्स्ट एपिसोड में व्यूअर्स आप देखेंगे कि शहराम एक फैसला करेगा कि मैं तो मानू के पीछे बहुत भागा लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला, तो मैं अब ये करूँगा कि उसको इग्नोर करूँगा और इसके यादों से हटकर अपने न्यू लैब में मूव करूँगा। तो व्यूवर्स, क्या आपको लगता है कि शहराम इतना आसानी से मानूर को बोल पाएगी? अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल हलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूवर्स मानूर शहराम से कहेगी कि शहराम, मैं अपनी मर्ज़ी से अब तैमूर से शादी करूंगी और इसमें किसी की कोई ज़बरदस्ती शामिल नहीं, ये मैं अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ क्योंकि मुझे तैमूर ही पसंद है। मैं अगर शादी करना चाहूँगी तो सिर्फ तैमूर से ही करूँगी। अब व्यूवर्स मानूर को शहराम का ज़रा सा भी परवाह नहीं है और व्यूवर्स शहराम ये सुनने के बाद कि मानूर मुझसे नफरत करता है तो अब वो बहुत ज़्यादा दुख में चला जाएगा और बहुत परेशान हो जाएगा और रूम में चला जाएगा और ये सोचेगा कि आखिरकार ये मेरे साथ क्या हो रहा है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि वो मानूर से बात करने की कोशिश करेगा लेकिन वो नाकाम रहेगा और हर वक्त व्यूअर्स शहराम को अब तकलीफ ही पहुँचेगी क्योंकि मानूर ने साफ उसको बताया कि मैं तैमूर से ही शादी करूँगी। और इस तरह नेक्स्ट एपिसोड में व्यूअर्स आप देखेंगे कि शहराम एक फैसला करेगा कि मैं तो मानू के पीछे बहुत भागा लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला, तो मैं अब ये करूँगा कि उसको इग्नोर करूँगा और इसके यादों से हटकर अपने न्यू लैब में मूव करूँगा। तो व्यूवर्स, क्या आपको लगता है कि शहराम इतना आसानी से मानूर को बोल पाएगी? अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल हलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूवर्स मानूर शहराम से कहेगी कि शहराम, मैं अपनी मर्ज़ी से अब तैमूर से शादी करूंगी और इसमें किसी की कोई ज़बरदस्ती शामिल नहीं, ये मैं अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ क्योंकि मुझे तैमूर ही पसंद है। मैं अगर शादी करना चाहूँगी तो सिर्फ तैमूर से ही करूँगी। अब व्यूवर्स मानूर को शहराम का ज़रा सा भी परवाह नहीं है और व्यूवर्स शहराम ये सुनने के बाद कि मानूर मुझसे नफरत करता है तो अब वो बहुत ज़्यादा दुख में चला जाएगा और बहुत परेशान हो जाएगा और रूम में चला जाएगा और ये सोचेगा कि आखिरकार ये मेरे साथ क्या हो रहा है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि वो मानू
जरूर उसे बात करने की कोशिश करेगा, लेकिन वो नाकाम रहेगा और हर वक्त व्यूअर शहराम को अब तकलीफ ही पहुँचेगी, क्योंकि मानूर ने साहब उसको बताया कि मैं तैमूर से ही शादी करूँगी। और इस तरह नेक्स्ट एपिसोड में व्यूअर्स आप देखेंगे कि शहराम एक फैसला करेगा कि मैं तो मानू के पीछे बहुत भागा लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला, तो मैं अब ये करूँगा कि उसको इग्नोर करूँगा और इसके यादों से हटकर अपने न्यू लाइफ में मूव करूँगा। तो व्यूअर्स, क्या आपको लगता है कि शहराम इतना आसानी से मानूर को बोल पाएगी? अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल हलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर्स मानूर शहराम से कहेगी कि शहराम मैं अपनी मर्जी से अब तैमूर से शादी करूँगी और इसमें किसी की कोई ज़बरदस्ती शामिल नहीं, ये मैं अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ क्योंकि मुझे तैमूर ही पसंद है। मैं अगर शादी करना चाहूँगी तो सिर्फ तैमूर से ही करूँगी। अब व्यूअर्स मानूर को शहराम का ज़रा सा भी परवाह नहीं है और व्यूअर्स शहराम ये सुनने के बाद कि मानूर मुझसे नफरत करता है तो अब वो बहुत ज़्यादा दुख में चला जाएगा, बहुत परेशान हो जाएगा और रूम में चला जाएगा और ये सोचेगा कि आखिरकार ये मेरे साथ क्या हो रहा है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो मानूर से बात करने की कोशिश करेगा लेकिन वो नाकाम रहेगा और हर वक्त व्यूअर्स शहराम को अब तकलीफ ही पहुँचेगी, क्योंकि मानूर ने साहब उसको बताया कि मैं तैमूर से ही शादी करूँगी। और इस तरह नेक्स्ट एपिसोड में व्यूअर्स आप देखेंगे कि शहराम एक फैसला करेगा कि मैं तो मानू के पीछे बहुत भागा लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला, तो मैं अब ये करूँगा कि उसको इग्नोर करूँगा और इसके यादों से हटकर अपने न्यू लाइफ में मूव करूँगा। तो व्यूअर्स, क्या आपको लगता है कि शहराम इतना आसानी से मानूर को बोल पाएगी? अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल हलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर्स मानूर शहराम से कहेगी कि शहराम मैं अपनी मर्ज़ी से अब तैमूर से शादी करूँगी और इसमें किसी की कोई ज़बरदस्ती शामिल नहीं, ये मैं अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ क्योंकि मुझे तैमूर ही पसंद है। मैं अगर शादी करना चाहूँगी तो सिर्फ तैमूर से ही करूँगी। अब व्यूअर्स मानूर को शहराम का ज़रा सा भी परवाह नहीं है और व्यूअर्स शहराम ये सुनने के बाद कि मानूर मुझसे नफरत करता है तो अब वो बहुत ज़्यादा दुख में चला जाएगा, बहुत परेशान हो जाएगा और रूम में चला जाएगा और ये सोचेगा कि आखिरकार ये मेरे साथ क्या हो रहा है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो मानूर से बात करने की कोशिश करेगा लेकिन वो नाकाम रहेगा और हर वक्त व्यूअर्स शहराम को अब तकलीफ ही पहुँचेगी, क्योंकि मानूर ने साहब उसको बताया कि मैं तैमूर से ही शादी करूँगी। और इस तरह नेक्स्ट एपिसोड में व्यूअर्स आप देखेंगे कि शहराम एक फैसला करेगा कि मैं तो मानू के पीछे बहुत भागा लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला, तो मैं अब ये करूँगा कि उसको इग्नोर करूँगा और इसके यादों से हटकर अपने न्यू लाइफ में मूव करूँगा। तो व्यूअर्स, क्या आपको लगता है कि शहराम इतना आसानी से मानूर को बोल पाएगी? अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल हलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर्स मानूर शहराम से कहेगी कि शहराम मैं अपनी मर्ज़ी से अब तैमूर से शादी करूँगी और इसमें किसी की कोई ज़बरदस्ती शामिल नहीं, ये मैं अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ क्योंकि मुझे तैमूर ही पसंद है। मैं अगर शादी करना चाहूँगी तो सिर्फ तैमूर से ही करूँगी। अब व्यूअर्स मानूर को शहराम का ज़रा सा भी परवाह नहीं है और व्यूअर्स शहराम ये सुनने के बाद कि मानूर मुझसे नफरत करता है तो अब वो बहुत ज़्यादा दुख में चला जाएगा, बहुत परेशान हो जाएगा और रूम में चला जाएगा और ये सोचेगा कि आखिरकार ये मेरे साथ क्या हो रहा है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो मानूर से बात करने की कोशिश करेगा लेकिन वो नाकाम रहेगा और हर वक्त व्यूअर्स शहराम को अब तकलीफ ही पहुँचेगी, क्योंकि मानूर ने साहब उसको बताया कि मैं तैमूर से ही शादी करूँगी। और इस तरह नेक्स्ट एपिसोड में व्यूअर्स आप देखेंगे कि शहराम एक फैसला करेगा कि मैं तो मानू के पीछे बहुत भागा लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला, तो मैं अब ये करूँगा कि उसको इग्नोर करूँगा और इसके यादों से हटकर अपने न्यू लाइफ में मूव करूँगा। तो व्यूअर्स, क्या आपको लगता है कि शहराम इतना आसानी से मानूर को बोल पाएगी? अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल हलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर्स मानूर शहराम से कहेगी कि शहराम मैं अपनी मर्ज़ी से अब तैमूर से शादी करूँगी और इसमें किसी की कोई ज़बरदस्ती शामिल नहीं, ये मैं अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ क्योंकि मुझे तैमूर ही पसंद है। मैं अगर शादी करना चाहूँगी तो सिर्फ तैमूर से ही करूँगी। अब व्यूअर्स मानूर को शहराम का ज़रा सा भी परवाह नहीं है और व्यूअर्स शहराम ये सुनने के बाद कि मानूर मुझसे नफरत करता है तो
अब वो बहुत ज़्यादा दुख में चला जाएगा, बहुत परेशान हो जाएगा और रूम में चला जाएगा और ये सोचेगा कि आखिरकार ये मेरे साथ क्या हो रहा है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो मनोज से बात करने की कोशिश करेगा लेकिन वो नाकाम रहेगा और हर वक्त व्यूअर्स शहराम को तकलीफ ही पहुँचेगी क्योंकि मनोज ने साफ उसको बताया कि मैं तैमूर से ही शादी करूँगी। और इस तरह नेक्स्ट एपिसोड में व्यूअर्स आप देखेंगे कि शहराम एक फैसला करेगा कि मैं तो मानू के पीछे बहुत भागा लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला, तो मैं अब ये करूँगा कि उसको इग्नोर करूँगा और इसके यादों से हटकर अपने न्यू लाइफ में मूव करूँगा। तो व्यूअर्स क्या आपको लगता है कि शहराम इतना आसानी से मानूर को बोल पाएगी? अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। अब इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल हलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर्स मानूर शहराम से कहेगी कि शहराम मैं अपनी मर्ज़ी से अब तैमूर से शादी करूंगी और इसमें किसी की कोई ज़बरदस्ती शामिल नहीं, ये मैं अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ क्योंकि मुझे तैमूर ही पसंद है, मैं अगर शादी करना चाहूँगी तो सिर्फ तैमूर से ही करूँगी। अब व्यूअर्स मानूर को शहराम का ज़रा सा भी परवाह नहीं है और व्यूअर्स शहराम ये सुनने के बाद कि मानूर मुझसे नफरत करता है तो अब वो बहुत ज़्यादा दुख में चला जाएगा, बहुत परेशान हो जाएगा और रूम में चला जाएगा और ये सोचेगा कि आखिरकार ये मेरे साथ क्या हो रहा है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो मनोज से बात करने की कोशिश करेगा लेकिन वो नाकाम रहेगा और हर वक्त व्यूअर्स शहराम को तकलीफ ही पहुँचेगी क्योंकि मनोज ने साफ उसको बताया कि मैं तैमूर से ही शादी करूँगी। और इस तरह नेक्स्ट एपिसोड में व्यूअर्स आप देखेंगे कि शहराम एक फैसला करेगा कि मैं तो मानू के पीछे बहुत भागा लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला, तो मैं अब ये करूँगा कि उसको इग्नोर करूँगा और इसके यादों से हटकर अपने न्यू लाइफ में मूव करूँगा। तो व्यूअर्स क्या आपको लगता है कि शहराम इतना आसानी से मानूर को बोल पाएगी? अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। अब इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल हलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर्स मानूर शहराम से कहेगी कि शहराम मैं अपनी मर्ज़ी से अब तैमूर से शादी करूंगी और इसमें किसी की कोई ज़बरदस्ती शामिल नहीं, ये मैं अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ क्योंकि मुझे तैमूर ही पसंद है, मैं अगर शादी करना चाहूँगी तो सिर्फ तैमूर से ही करूँगी। अब व्यूअर्स मानूर को शहराम का ज़रा सा भी परवाह नहीं है और व्यूअर्स शहराम ये सुनने के बाद कि मानूर मुझसे नफरत करता है तो अब वो बहुत ज़्यादा दुख में चला जाएगा, बहुत परेशान हो जाएगा और रूम में चला जाएगा और ये सोचेगा कि आखिरकार ये मेरे साथ क्या हो रहा है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो मनोज से बात करने की कोशिश करेगा लेकिन वो नाकाम रहेगा और हर वक्त व्यूअर्स शहराम को तकलीफ ही पहुँचेगी क्योंकि मनोज ने साफ उसको बताया कि मैं तैमूर से ही शादी करूँगी। और इस तरह नेक्स्ट एपिसोड में व्यूअर्स आप देखेंगे कि शहराम एक फैसला करेगा कि मैं तो मानू के पीछे बहुत भागा लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला, तो मैं अब ये करूँगा कि उसको इग्नोर करूँगा और इसके यादों से हटकर अपने न्यू लाइफ में मूव करूँगा। तो व्यूअर्स क्या आपको लगता है कि शहराम इतना आसानी से मानूर को बोल पाएगी? अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। अब इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल हलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर्स मानूर शहराम से कहेगी कि शहराम मैं अपनी मर्ज़ी से अब तैमूर से शादी करूंगी और इसमें किसी की कोई ज़बरदस्ती शामिल नहीं, ये मैं अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ क्योंकि मुझे तैमूर ही पसंद है, मैं अगर शादी करना चाहूँगी तो सिर्फ तैमूर से ही करूँगी। अब व्यूअर्स मानूर को शहराम का ज़रा सा भी परवाह नहीं है और व्यूअर्स शहराम ये सुनने के बाद कि मानूर मुझसे नफरत करता है तो अब वो बहुत ज़्यादा दुख में चला जाएगा, बहुत परेशान हो जाएगा और रूम में चला जाएगा और ये सोचेगा कि आखिरकार ये मेरे साथ क्या हो रहा है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो मनोज से बात करने की कोशिश करेगा लेकिन वो नाकाम रहेगा और हर वक्त व्यूअर्स शहराम को तकलीफ ही पहुँचेगी क्योंकि मनोज ने साफ उसको बताया कि मैं तैमूर से ही शादी करूँगी। और इस तरह नेक्स्ट एपिसोड में व्यूअर्स आप देखेंगे कि शहराम एक फैसला करेगा कि मैं तो मानू के पीछे बहुत भागा लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला, तो मैं अब ये करूँगा कि उसको इग्नोर करूँगा और इसके यादों से हटकर अपने न्यू लाइफ में मूव करूँगा। तो व्यूअर्स क्या आपको लगता है कि शहराम इतना आसानी से मानूर को बोल पाएगी? अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। अब इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल हलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर्स मानूर शहराम से कहेगी कि शहराम मैं अपनी मर्ज़ी से अब तैमूर से शादी करूंगी और इसमें किसी की कोई ज़बरदस्ती शामिल नहीं, ये मैं अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ क्योंकि मुझे तैमूर ही पसंद है, मैं अगर शादी करना चाहूँगी तो सिर्फ तैमूर से ही करूँगी।
अब व्यूअर्स मानूर को शहराम का ज़रा सा भी परवाह नहीं है, और व्यूअर्स शहराम ये सुनने के बाद कि मानूर मुझसे नफरत करता है तो वो बहुत ज़्यादा दुख में चला जाएगा, बहुत परेशान हो जाएगा और रूम में चला जाएगा और ये सोचेगा कि आखिरकार ये मेरे साथ क्या हो रहा है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो मानूर से बात करने की कोशिश करेगा लेकिन वो नाकाम रहेगा और हर वक्त व्यूअर्स शहराम को तकलीफ ही पहुँचेगी क्योंकि मानूर ने साफ उसको बताया कि मैं तैमूर से ही शादी करूँगी। और इस तरह नेक्स्ट एपिसोड में व्यूअर्स आप देखेंगे कि शहराम एक फैसला करेगा कि मैं तो मानूर के पीछे बहुत भागा लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला, तो मैं अब ये करूँगा कि उसको इग्नोर करूँगा और इसके यादों से हटकर अपने न्यू लाइफ में मूव करूँगा। तो व्यूअर्स क्या आपको लगता है कि शहराम इतना आसानी से मानूर को बोल पाएगी? अपने राय की इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल अखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर्स मानूर शहराम से कहेगी कि शहराम मैं अपनी मर्जी से अब तैमूर से शादी करूँगी और इसमें किसी की कोई ज़बरदस्ती शामिल नहीं, ये मैं अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ क्योंकि मुझे तैमूर ही पसंद है, मैं अगर शादी करना चाहूँगी तो सिर्फ तैमूर से ही करूँगी। अब व्यूअर्स मानूर को शहराम का ज़रा सा भी परवाह नहीं है, और व्यूअर्स शहराम ये सुनने के बाद कि मानूर मुझसे नफरत करता है तो अब वो बहुत ज़्यादा दुख में चला जाएगा, बहुत परेशान हो जाएगा और रूम में चला जाएगा और ये सोचेगा कि आखिरकार ये मेरे साथ क्या हो रहा है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो मानूर से बात करने की कोशिश करेगा लेकिन वो नाकाम रहेगा और हर वक्त व्यूअर्स शहराम को तकलीफ ही पहुँचेगी क्योंकि मानूर ने साफ उसको बताया कि मैं तैमूर से ही शादी करूँगी। और इस तरह नेक्स्ट एपिसोड में व्यूअर्स आप देखेंगे कि शहराम एक फैसला करेगा कि मैं तो मानूर के पीछे बहुत भागा लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला, तो मैं अब ये करूँगा कि उसको इग्नोर करूँगा और इसके यादों से हटकर अपने न्यू लाइफ में मूव करूँगा। तो व्यूअर्स क्या आपको लगता है कि शहराम इतना आसानी से मानूर को बोल पाएगी? अपने राय की इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल अखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर्स मानूर शहराम से कहेगी कि शहराम मैं अपनी मर्ज़ी से अब तैमूर से शादी करूंगी और इसमें किसी की कोई ज़बरदस्ती शामिल नहीं, ये मैं अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ क्योंकि मुझे तैमूर ही पसंद है, मैं अगर शादी करना चाहूँगी तो सिर्फ तैमूर से ही करूँगी। अब व्यूअर्स मानूर को शहराम का ज़रा सा भी परवाह नहीं है, और व्यूअर्स शहराम ये सुनने के बाद कि मानूर मुझसे नफरत करता है तो अब वो बहुत ज़्यादा दुख में चला जाएगा, बहुत परेशान हो जाएगा और रूम में चला जाएगा और ये सोचेगा कि आखिरकार ये मेरे साथ क्या हो रहा है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो मानूर से बात करने की कोशिश करेगा लेकिन वो नाकाम रहेगा और हर वक्त व्यूअर्स शहराम को तकलीफ ही पहुँचेगी क्योंकि मानूर ने साफ उसको बताया कि मैं तैमूर से ही शादी करूँगी। और इस तरह नेक्स्ट एपिसोड में व्यूअर्स आप देखेंगे कि शहराम एक फैसला करेगा कि मैं तो मानूर के पीछे बहुत भागा लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला, तो मैं अब ये करूँगा कि उसको इग्नोर करूँगा और इसके यादों से हटकर अपने न्यू लाइफ में मूव करूँगा। तो व्यूअर्स क्या आपको लगता है कि शहराम इतना आसानी से मानूर को बोल पाएगी? अपने राय की इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल अखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर्स मानूर शहराम से कहेगी कि शहराम मैं अपनी मर्ज़ी से अब तैमूर से शादी करूंगी और इसमें किसी की कोई ज़बरदस्ती शामिल नहीं, ये मैं अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ क्योंकि मुझे तैमूर ही पसंद है, मैं अगर शादी करना चाहूँगी तो सिर्फ तैमूर से ही करूँगी। अब व्यूअर्स मानूर को शहराम का ज़रा सा भी परवाह नहीं है, और व्यूअर्स शहराम ये सुनने के बाद कि मानूर मुझसे नफरत करता है तो अब वो बहुत ज़्यादा दुख में चला जाएगा, बहुत परेशान हो जाएगा और रूम में चला जाएगा और ये सोचेगा कि आखिरकार ये मेरे साथ क्या हो रहा है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो मानूर से बात करने की कोशिश करेगा लेकिन वो नाकाम रहेगा और हर वक्त व्यूअर्स शहराम को तकलीफ ही पहुँचेगी क्योंकि मानूर ने साफ उसको बताया कि मैं तैमूर से ही शादी करूँगी। और इस तरह नेक्स्ट एपिसोड में व्यूअर्स आप देखेंगे कि शहराम एक फैसला करेगा कि मैं तो मानूर के पीछे बहुत भागा लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला, तो मैं अब ये करूँगा कि उसको इग्नोर करूँगा और इसके यादों से हटकर अपने न्यू लाइफ में मूव करूँगा। तो व्यूअर्स क्या आपको लगता है कि शहराम इतना आसानी से मानूर को बोल पाएगी? अपने राय की इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल अखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर्स मानूर शहराम से कहेगी कि शहराम मैं अपनी मर्ज़ी से अब तैमूर से शादी करूंगी और इसमें किसी की
कोई ज़बरदस्ती शामिल नहीं, ये मैं अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ क्योंकि मुझे तैमूर ही पसंद है। मैं अगर शादी करना चाहूँगी तो सिर्फ तैमूर से ही करूँगी। अब व्यूअर्स, मानूर को शहराम का ज़रा सा भी परवाह नहीं है। और व्यूअर्स, शहराम ये सुनने के बाद कि मानूर मुझसे नफरत करता है तो अब वो बहुत ज़्यादा दुख में चला जाएगा और बहुत परेशान हो जाएगा और रूम में चला जाएगा और ये सोचेगा कि आखिरकार ये मेरे साथ क्या हो रहा है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि वो मानूर से बात करने की कोशिश करेगा लेकिन वो नाकाम रहेगा और हर वक्त व्यूअर्स शहराम को अब तकलीफ़ ही पहुँचेगी क्योंकि मानूर ने साफ उसको बताया कि मैं तैमूर से ही शादी करूँगी। और इस तरह नेक्स्ट एपिसोड में व्यूअर्स आप देखेंगे कि शहराम एक फैसला करेगा कि मैं तो मानूर के पीछे बहुत भागा लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला, तो मैं अब ये करूँगा कि उसको इग्नोर करूँगा और इसके यादों से हटकर अपने न्यू लाइफ में मूव करूँगा। तो व्यूअर्स, क्या आपको लगता है कि शहराम इतना आसानी से मानूर को बोल पाएगी? अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल अखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर्स, मानूर शहराम से कहेगी कि शहराम मैं अपनी मर्जी से अब तैमूर से शादी करूंगी और इसमें किसी की कोई ज़बरदस्ती शामिल नहीं, ये मैं अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ क्योंकि मुझे तैमूर ही पसंद है। मैं अगर शादी करना चाहूँगी तो सिर्फ तैमूर से ही करूँगी। अब व्यूअर्स, मानूर को शहराम का ज़रा सा भी परवाह नहीं है। और व्यूअर्स, शहराम ये सुनने के बाद कि मानूर मुझसे नफरत करता है तो अब वो बहुत ज़्यादा दुख में चला जाएगा और बहुत परेशान हो जाएगा और रूम में चला जाएगा और ये सोचेगा कि आखिरकार ये मेरे साथ क्या हो रहा है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि वो मानूर से बात करने की कोशिश करेगा लेकिन वो नाकाम रहेगा और हर वक्त व्यूअर्स शहराम को अब तकलीफ ही पहुँचेगी क्योंकि मानूर ने साफ उसको बताया कि मैं तैमूर से ही शादी करूँगी। और इस तरह नेक्स्ट एपिसोड में व्यूअर्स आप देखेंगे कि शहराम एक फैसला करेगा कि मैं तो मानूर के पीछे बहुत भागा लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला, तो मैं अब ये करूँगा कि उसको इग्नोर करूँगा और इसके यादों से हटकर अपने न्यू लाइफ में मूव करूँगा। तो व्यूअर्स, क्या आपको लगता है कि शहराम इतना आसानी से मानूर को बोल पाएगी? अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल अखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर्स, मानूर शहराम से कहेगी कि शहराम मैं अपनी मर्ज़ी से अब तैमूर से शादी करूंगी और इसमें किसी की कोई ज़बरदस्ती शामिल नहीं, ये मैं अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ क्योंकि मुझे तैमूर ही पसंद है। मैं अगर शादी करना चाहूँगी तो सिर्फ तैमूर से ही करूँगी। अब व्यूअर्स, मानूर को शहराम का ज़रा सा भी परवाह नहीं है। और व्यूअर्स, शहराम ये सुनने के बाद कि मानूर मुझसे नफरत करता है तो अब वो बहुत ज़्यादा दुख में चला जाएगा और बहुत परेशान हो जाएगा और रूम में चला जाएगा और ये सोचेगा कि आखिरकार ये मेरे साथ क्या हो रहा है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि वो मानूर से बात करने की कोशिश करेगा लेकिन वो नाकाम रहेगा और हर वक्त व्यूअर्स शहराम को अब तकलीफ ही पहुँचेगी क्योंकि मानूर ने साफ उसको बताया कि मैं तैमूर से ही शादी करूँगी। और इस तरह नेक्स्ट एपिसोड में व्यूअर्स आप देखेंगे कि शहराम एक फैसला करेगा कि मैं तो मानूर के पीछे बहुत भागा लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला, तो मैं अब ये करूँगा कि उसको इग्नोर करूँगा और इसके यादों से हटकर अपने न्यू लाइफ में मूव करूँगा। तो व्यूअर्स, क्या आपको लगता है कि शहराम इतना आसानी से मानूर को बोल पाएगी? अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल अखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर्स, मानूर शहराम से कहेगी कि शहराम मैं अपनी मर्ज़ी से अब तैमूर से शादी करूंगी और इसमें किसी की कोई ज़बरदस्ती शामिल नहीं, ये मैं अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ क्योंकि मुझे तैमूर ही पसंद है। मैं अगर शादी करना चाहूँगी तो सिर्फ तैमूर से ही करूँगी। अब व्यूअर्स, मानूर को शहराम का ज़रा सा भी परवाह नहीं है। और व्यूअर्स, शहराम ये सुनने के बाद कि मानूर मुझसे नफरत करता है तो अब वो बहुत ज़्यादा दुख में चला जाएगा और बहुत परेशान हो जाएगा और रूम में चला जाएगा और ये सोचेगा कि आखिरकार ये मेरे साथ क्या हो रहा है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि वो मानूर से बात करने की कोशिश करेगा लेकिन वो नाकाम रहेगा और हर वक्त व्यूअर्स शहराम को अब तकलीफ ही पहुँचेगी क्योंकि मानूर ने साफ उसको बताया कि मैं तैमूर से ही शादी करूँगी। और इस तरह नेक्स्ट एपिसोड में व्यूअर्स आप देखेंगे कि शहराम एक फैसला करेगा कि मैं तो मानूर के पीछे बहुत भागा लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला, तो मैं अब ये करूँगा कि उसको इग्नोर करूँगा और इसके यादों से हटकर अपने न्यू लाइफ में मूव करूँगा। तो व्यूअर्स, क्या आपको लगता है कि शहराम इतना आसानी से मानूर को बोल पाएगी? अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल अखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।
अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर्स मानूर शेहराम से कहेगी कि शेहराम मैं अपनी मर्जी से अब तैमूर से शादी करूंगी और इसमें किसी की कोई ज़बरदस्ती शामिल नहीं, ये मैं अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ क्योंकि मुझे तैमूर ही पसंद है। मैं अगर शादी करना चाहूँगी तो सिर्फ तैमूर से ही करूँगी। अब व्यूअर्स मानूर को शहराम का ज़रा सा भी परवाह नहीं है और व्यूअर्स शहराम ये सुनने के बाद कि मानूर मुझसे नफरत करता है तो अब वो बहुत ज़्यादा दुख में चला जाएगा, बहुत परेशान हो जाएगा और रूम में चला जाएगा और ये सोचेगा कि आखिरकार ये मेरे साथ क्या हो रहा है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो मानूर से बात करने की कोशिश करेगा लेकिन वो नाकाम रहेगा और हर वक्त व्यूअर्स शहराम को अब तकलीफ ही पहुँचेगी क्योंकि मानूर ने साफ उसको बताया कि मैं तैमूर से ही शादी करूँगी। और इस तरह नेक्स्ट एपिसोड में व्यूअर्स आप देखेंगे कि शहराम एक फैसला करेगा कि मैं तो मानूर के पीछे बहुत भागा लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला तो मैं अब ये करूँगा कि उसको इग्नोर करूँगा और इसके यादों से हटकर अपने न्यू लाइफ में मूव करूँगा। तो व्यूअर्स क्या आपको लगता है कि शहराम इतना आसानी से मानूर को बोल पाएगी? अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल हलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर्स मानूर शहराम से कहेगी कि शहराम मैं अपनी मर्ज़ी से अब तैमूर से शादी करूंगी और इसमें किसी की कोई ज़बरदस्ती शामिल नहीं, ये मैं अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ क्योंकि मुझे तैमूर ही पसंद है। मैं अगर शादी करना चाहूँगी तो सिर्फ तैमूर से ही करूँगी। अब व्यूअर्स मानूर को शहराम का ज़रा सा भी परवाह नहीं है और व्यूअर्स शहराम ये सुनने के बाद कि मानूर मुझसे नफरत करता है तो अब वो बहुत ज़्यादा दुख में चला जाएगा, बहुत परेशान हो जाएगा और रूम में चला जाएगा और ये सोचेगा कि आखिरकार ये मेरे साथ क्या हो रहा है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो मानूर से बात करने की कोशिश करेगा लेकिन वो नाकाम रहेगा और हर वक्त व्यूअर्स शहराम को अब तकलीफ ही पहुँचेगी क्योंकि मानूर ने साफ उसको बताया कि मैं तैमूर से ही शादी करूँगी। और इस तरह नेक्स्ट एपिसोड में व्यूअर्स आप देखेंगे कि शहराम एक फैसला करेगा कि मैं तो मानूर के पीछे बहुत भागा लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला तो मैं अब ये करूँगा कि उसको इग्नोर करूँगा और इसके यादों से हटकर अपने न्यू लाइफ में मूव करूँगा। तो व्यूअर्स क्या आपको लगता है कि शहराम इतना आसानी से मानूर को बोल पाएगी? अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल हलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर्स मानूर शहराम से कहेगी कि शहराम मैं अपनी मर्ज़ी से अब तैमूर से शादी करूंगी और इसमें किसी की कोई ज़बरदस्ती शामिल नहीं, ये मैं अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ क्योंकि मुझे तैमूर ही पसंद है। मैं अगर शादी करना चाहूँगी तो सिर्फ तैमूर से ही करूँगी। अब व्यूअर्स मानूर को शहराम का ज़रा सा भी परवाह नहीं है और व्यूअर्स शहराम ये सुनने के बाद कि मानूर मुझसे नफरत करता है तो अब वो बहुत ज़्यादा दुख में चला जाएगा, बहुत परेशान हो जाएगा और रूम में चला जाएगा और ये सोचेगा कि आखिरकार ये मेरे साथ क्या हो रहा है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो मानूर से बात करने की कोशिश करेगा लेकिन वो नाकाम रहेगा और हर वक्त व्यूअर्स शहराम को अब तकलीफ ही पहुँचेगी क्योंकि मानूर ने साफ उसको बताया कि मैं तैमूर से ही शादी करूँगी। और इस तरह नेक्स्ट एपिसोड में व्यूअर्स आप देखेंगे कि शहराम एक फैसला करेगा कि मैं तो मानूर के पीछे बहुत भागा लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला तो मैं अब ये करूँगा कि उसको इग्नोर करूँगा और इसके यादों से हटकर अपने न्यू लाइफ में मूव करूँगा। तो व्यूअर्स क्या आपको लगता है कि शहराम इतना आसानी से मानूर को बोल पाएगी? अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल हलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर्स मानूर शहराम से कहेगी कि शहराम मैं अपनी मर्ज़ी से अब तैमूर से शादी करूंगी और इसमें किसी की कोई ज़बरदस्ती शामिल नहीं, ये मैं अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ क्योंकि मुझे तैमूर ही पसंद है। मैं अगर शादी करना चाहूँगी तो सिर्फ तैमूर से ही करूँगी। अब व्यूअर्स मानूर को शहराम का ज़रा सा भी परवाह नहीं है और व्यूअर्स शहराम ये सुनने के बाद कि मानूर मुझसे नफरत करता है तो अब वो बहुत ज़्यादा दुख में चला जाएगा, बहुत परेशान हो जाएगा और रूम में चला जाएगा और ये सोचेगा कि आखिरकार ये मेरे साथ क्या हो रहा है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो मानूर से बात करने की कोशिश करेगा लेकिन वो नाकाम रहेगा और हर वक्त व्यूअर्स शहराम को अब तकलीफ ही पहुँचेगी क्योंकि मानूर ने साफ उसको बताया कि मैं तैमूर से ही शादी करूँगी। और इस तरह नेक्स्ट एपिसोड में व्यूअर्स आप देखेंगे कि शहराम एक फैसला करेगा कि मैं तो मानूर के पीछे बहुत भागा लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला तो मैं अब ये करूँगा कि उसको इग्नोर करूँगा और इसके यादों से हटकर अपने न्यू लाइफ में मूव करूँगा। तो व्यूअर्स क्या आपको लगता है कि शहराम इतना आसानी से
मानूर को बोल पाई गई। अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अब इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल हलाज टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर्स मानूर शहराम से कहेगी कि शहराम मैं अपनी मर्जी से अब तैमूर से शादी करूँगी और इसमें किसी की कोई ज़बरदस्ती शामिल नहीं, ये मैं अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ क्योंकि मुझे तैमूर ही पसंद है। मैं अगर शादी करना चाहूँगी तो सिर्फ तैमूर से ही करूँगी। अब व्यूअर्स मानूर को शहराम का ज़रा सा भी परवाह नहीं है और व्यूअर्स शहराम ये सुनने के बाद कि मानूर मुझसे नफरत करता है तो अब वो बहुत ज़्यादा दुख में चला जाएगा, बहुत परेशान हो जाएगा और रूम में चला जाएगा और ये सोचेगा कि आखिरकार ये मेरे साथ क्या हो रहा है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो मानूर से बात करने की कोशिश करेगा लेकिन वो नाकाम रहेगा और हर वक्त व्यूअर्स शहराम को तकलीफ ही पहुँचेगी क्योंकि मानूर ने साफ उसको बताया कि मैं तैमूर से ही शादी करूँगी। और इस तरह नेक्स्ट एपिसोड में व्यूअर्स आप देखेंगे कि शहराम एक फैसला करेगा कि मैं तो मानूर के पीछे बहुत भागा लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला तो मैं अब ये करूँगा कि उसको इग्नोर करूँगा और इसके यादों से हटकर अपने न्यू लाइफ में मूव करूँगा। तो व्यूअर्स क्या आपको लगता है कि शहराम इतना आसानी से मानूर को बोल पाई गई? अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल हलाज टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर्स मानूर शहराम से कहेगी कि शहराम मैं अपनी मर्ज़ी से अब तैमूर से शादी करूंगी और इसमें किसी की कोई ज़बरदस्ती शामिल नहीं, ये मैं अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ क्योंकि मुझे तैमूर ही पसंद है। मैं अगर शादी करना चाहूँगी तो सिर्फ तैमूर से ही करूँगी। अब व्यूअर्स मानूर को शहराम का ज़रा सा भी परवाह नहीं है और व्यूअर्स शहराम ये सुनने के बाद कि मानूर मुझसे नफरत करता है तो अब वो बहुत ज़्यादा दुख में चला जाएगा, बहुत परेशान हो जाएगा, रूम में चला जाएगा और ये सोचेगा कि आखिरकार ये मेरे साथ क्या हो रहा है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो मानूर से बात करने की कोशिश करेगा लेकिन वो नाकाम रहेगा और हर वक्त व्यूअर्स शहराम को अब तकलीफ ही पहुँचेगी क्योंकि मानूर ने साफ उसको बताया कि मैं तैमूर से ही शादी करूँगी। और इस तरह नेक्स्ट एपिसोड में व्यूअर्स आप देखेंगे कि शहराम एक फैसला करेगा कि मैं तो मानूर के पीछे बहुत भागा लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला तो मैं अब ये करूँगा कि उसको इग्नोर करूँगा और इसके यादों से हटकर अपने न्यू लाइफ में मूव करूँगा। तो व्यूअर्स